नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। चलते अपने रिपोर्टर के पास। तो अंकित जी, बताइए हमारे दर्शकों को आज के मौसम के बारे में। हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद जिले की। तो आपको बता दें कि इन जिलों में सुबह के समय हल्की ओस और कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बारिश की यहां पर कोई संभावना नहीं है। दोपहर और शाम के वक्त हल्के आकाशीय बादल भी कुछ एक स्थानों पर इन जिलों में देखने को मिल सकते हैं। हवा की गति यहां पर मंद रहेगी और तापमान की बात की जाए तो दिन के समय अधिकतम तापमान 29 डिग्री और रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 या 17 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। अब देख लेते हैं हरियाणा के हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और जींद जिले को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के मौसम की बात करें तो मौसम लगभग सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ एक स्थानों पर दोपहर के वक्त और शाम के वक्त हल्के आकाशीय बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की यहाँ पर भी कोई संभावना नहीं जताई गई है। हवा की गति की बात की जाए तो हवा की गति इन जिलों में मंद रहेगी, जबकि तापमान की बात करें तो दिन के समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री और रात के समय न्यूनतम तापमान 16 या 17 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। अब देख लेते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले के। जहां दोस्तों यहां के मौसम की बात करें तो कुछ खासा परिवर्तन इन जिलों में देखने को नहीं मिलेगा। सुबह के समय हल्की ओस कोहरा देखने को मिल सकता है। दोपहर और शाम के वक्त मौसम साफ बना रहेगा। हवा की गति की बात करें तो हवा की गति इन जिलों में भी मंद रहेगी। तापमान की बात की जाए तो दिन के समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री और रात के समय न्यूनतम तापमान 17 या 18 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना हिसार मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।